उत्तराखंड और यूपी की सीमा से सटे बिजनौर के नजीबाबाद इलाके में आज सुबह से ही मलन नदी का जल स्तर बढ़ने से तकरीबन आधा दर्जन गांव में 3 से 4 फीट के करीब घरों में पानी घुस गया। और इतना ही नहीं, सरकारी प्राथमिक स्कूलों में रखी तमाम किताबें भीग गईं। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है, जबकि इलाके के लोगों की माने तो चारों तरफ बाढ़ के हालात होने के बाद भी अभी तक प्रशासन के आला अधिकारियों ने सूद तक नहीं ली है। साथ ही मालन नदी के साथ सुखरो नदी का जल स्तर बढ़ने से रेलवे पुल की जमीन से मिट्टी के खिसक जाने से रेलवे के अधिकारियों ने हालत को देखते हुए वहां से होकर गुजर रही कई ट्रेनों को रोक दिया और मौके पर रेलवे कर्मचारी तेजी से काम कर रहे हैं। Thank you.